नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीकेआर किचन में। मैं हूं चंद्रकांता राजपुरोहित, फिर हाजिर हूं एक नई रेसिपी के साथ। और आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल भिंडी मसाला करी। नॉर्मली हम भिंडी की सब्जी बिल्कुल ड्राई बनाते हैं, लेकिन आज हम करी वाली भिंडी बनाएंगे। ग्रेवी वाली भिंडी बहुत ही टेस्टी बनती है और बिल्कुल ढाबे वाला टेक्स्चर होगा सब्जी में। तो उसके लिए हमने ये 250 ग्राम भिंडी ले ली है। भिंडी को हमने अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद में इसको सुखा के कॉटन के कपड़े से पोंछ लिया है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी जो बात है वो है कि भिंडी को आपको बिल्कुल सुखा लेना है, उसके बाद में ही इसको कटिंग करना है। हल्का सा भी अगर मॉइस्चर होगा भिंडी में तो भिंडी आपकी जो है चिपचिपी बनेगी। तो ये बिल्कुल हमने इसको ड्राई करके कॉटन के कपड़े से पोंछ कर भिंडी का जो आगे और पीछे का हिस्सा होता है उसको कटिंग कर लिया है। और इस साइज़ में हमने बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं और बीच में हमने लगा दिया है एक चीरा। तो सभी भिंडियों में एक एक चीरा लगा लेना है हमको। तो ये भिंडी हमारी तैयार है। तो सबसे पहले इसको हम फ्राई करेंगे भिंडी को। तो शैलो फ्राई कर रहे हैं हम भिंडी को। तो भिंडी को शैलो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लिया है कढ़ाई में। तो ये कटी हुई भिंडी हम डाल देते हैं और मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में हिलाते हुए हमको भिंडी को फ्राई कर लेना है। लगभग इसमें 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। लगभग ये 80-90% हमको भिंडी को यहीं पे फ्राई करते हुए कुक कर लेना है और बीच बीच में थोड़ा सा हिलाते रहेंगे ताकि सारी भिंडी जो है इक्वल फ्राई हो सके। तो यहाँ पे हम शैलो फ्राई कर रहे हैं भिंडी को। तो ये 5 मिनट हो गए हमारी भिंडी को शैलो फ्राई होते हुए। तो भिंडी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और भिंडी को दबाकर अगर हम देखें तो सॉफ्ट हो गई है भिंडी और ये 90% के करीब कुक हो गई है। तो अब इसको हम कढ़ाई से बाहर निकाल देते हैं। तो अब हम भिंडी के लिए करी बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने ये 2.5 टेबल स्पून के करीब ऑयल गर्म कर लिया है कढ़ाई में। तो अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और जीरे को हल्का सा फ्राई होने देंगे ऑयल में। और उसके बाद डाल देंगे हम 1/2 चम्मच हींग पाउडर। तो जीरा और हींग हमारे फ्राई हो गए हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किए हमने चॉपर में प्याज। लगभग 3 बड़े साइज के प्याज हैं। तो एक बार मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम डाल देंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और 4-5 फ्रेश करी लीव्स, इनको भी मिक्स कर लेते हैं। और मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ प्याज हमारी हल्की सी गोल्डन ब्राउन होनी शुरू हो गई है। तो अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सूखे मसालों में हमने ले लिया है यहाँ पे 2 बड़े चम्मच के करीब हमने ले ली है लाल मिर्च पाउडर। इसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 से 2.5 चम्मच ही हमने लिया है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हल्का सा इसमें ज़्यादा होता है। और टेस्ट के हिसाब से नमक ले लिया है और 1 छोटी चम्मच हमने यहाँ पर बेसन लिया है। तो बेसन को आपको बिल्कुल 1 छोटी चम्मच ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है वरना ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो ये सारे मसाले और आधे मिनट के लिए थोड़ा सा हम लगातार चलाकर मसाले को भून लेंगे ताकि बेसन भी हमारा अच्छे तरीके से भून जाएगा। तो ये बेसन लगभग हमारा ड्राई मसालों के साथ अच्छे तरीके से भून गया है। तो अब इसमें हम ये 2 बड़े साइज के टमाटर हमने लिए हैं, उनको हमने बिल्कुल बारीक कद्दूकस कर लिया है। चाहे तो आप इसको प्यूरी भी बना सकते हैं मिक्सी में। तो अच्छे तरीके से मसाले में टमाटर को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप मिक्सी में टमाटर की प्यूरी बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ग्रेवी आपकी ज्यादा अच्छी बनके तैयार होगी। तो हमने यहाँ पर इसको कद्दूकस ही किया है। तो कद्दूकस करने से क्या है कि टमाटर को थोड़ा सा पकने में समय ज्यादा लगता है। तो अब यहाँ पे हम
एक टेबल स्पून के करीब पानी इसमें मिला देंगे ताकि टमाटर हमारे आसानी से पक जाएंगे। अगर आप प्यूरी बना के डाल रहे हैं टमाटर तो फिर यहाँ पानी डालना ज़रूरी नहीं है। तो पानी डालने के बाद थोड़ा सा हम मसाले को मिक्स कर लेते हैं और बिल्कुल धीमी आंच पर इसको पकने देंगे हम। लगभग 2.5-3 मिनट का समय लगेगा और मसाले से बिल्कुल ऑयल अलग दिखना शुरू हो जाएगा। तब तक इसको हमको पकाना है मीडियम फ्लेम पर। और कढ़ाई अगर आप नॉन स्टिक नहीं यूज़ कर रहे हैं तो फिर एक दो बार बीच बीच में मसाले को चलाते रहें ताकि वो तले में चिपके नहीं। तो ये मसाले से हमारा जो है ऑयल अलग दिखना शुरू हो गया है, यानी कि मसाला हमारा परफेक्ट भुन के तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम लगभग 2-3 टेबल स्पून के करीब फ्रेश दही। तो दही यहाँ पे आपको खट्टा नहीं लेना है, फ्रेश लेना है। और तुरंत ही इसको मसाले में मिक्स करेंगे। दही डालने के बाद में थोड़ा सा आपको लगातार इसको मिक्स करते हुए पकाना है, नहीं तो कई बार क्या होता है कि दही हमारी फट जाती है। गैस को मीडियम कर लें और तब तक कि दही अच्छे से मिक्स ना हो जाए थोड़ा सा इसको चलाते हुए पकाएं। तो ये दही ग्रेवी में हमारी मिक्स हो गई है। तो अब इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून के करीब फ्रेश मलाई। मलाई को थोड़ा सा इस तरीके से फेंट लेंगे और चाहें तो ये फ्रेश दूध की मलाई है तो इसकी जगह आप मार्केट में मिलने वाली क्रीम भी डाल सकते हैं 3 टेबल स्पून के करीब। तो इसको भी दही की तरह ही हम लगातार चलाते हुए तब तक ये मिक्स ना हो जाए अच्छे तरीके से इसको हम हिलाते हुए पका लेंगे। लगभग ये 1-1.5 मिनट के अंदर अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स हो जाएगी। गैस को मीडियम रखते हुए इसको मिक्स करना है। तो क्रीम और दही काफी अच्छे तरीके से करी में मिक्स हो गया है। तो अब इसको हम ढक देते हैं और मीडियम फ्लेम पर इसको 2-3 मिनट के लिए पकने देते हैं। तब तक कि एकदम ऑयल और मसाले अच्छे तरीके से ग्रेवी के ऊपर ना दिखने शुरू हो जाए तब तक इसको पकाना है। तो 2 चम्मच कसूरी मेथी हमने इसमें ग्रेवी में मिक्स कर ली है और मिक्स करने के बाद में उबाल आ गया है करी में। तो अब इसमें हम ये शैलो फ्राई की हुई भिंडी है वो ऐड कर देते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं एक बार करी में। बहुत ही शानदार और लाजवाब महक आ रही है पूरी किचन में। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है ढाबा स्टाइल भिंडी मसाला करी। तो रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपकी जो है ये रेसिपी कैसी बनी है। तो ये हमने करी में भिंडी को मिक्स कर लिया है तो अब इसको ढक देते हैं और 2 मिनट के लिए इसको पका लेते हैं हम ताकि जो भिंडी का फ्लेवर है उसमें अंदर तक जो है मसालों का फ्लेवर भिंडी के अंदर चला जाए। तो यहाँ अगर आपको भिंडी की जो करी है वो हल्की सी गाढ़ी लग रही है तो उसमें आप पानी को गर्म करके 1-2 टेबल स्पून के करीब पानी मिला सकते हैं। तो जो करी की जो थिकनेस है वो इस तरीके की होनी चाहिए। तो ये सब्जी को पकते हुए 2.5-3 मिनट हो गए हैं। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही शानदार इसका कलर आया है और बहुत ही लाजवाब इसकी महक आ रही है। तो एक बार थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं सब्जी को। गैस को हम ऑफ कर लेते हैं क्योंकि भिंडी हमने पहले से ही इसमें फ्राई करके ऐड करी है। तो भिंडी हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गई है। तो ये हमारी ढाबा स्टाइल भिंडी मसाला करी बनके बिल्कुल तैयार है। तो हल्का सा ठंडा होने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं और चाहें तो इसमें बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डाल लें या फिर थोड़ी सी कसूरी मेथी को क्रश करके ऊपर से भी डाल लें। वैसे हमने 2 चम्मच के करीब कसूरी मेथी ग्रेवी में ऐड की थी। तो ये सब्जी हमारी बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो उसको आप लाइक जरूर करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और रेसिपी को आप बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपकी ढाबा स्टाइल भिंडी मसाला करी बनके तैयार होगी एकदम परफेक्ट। ना ही तो इसकी जो करी है वो बहुत ज्यादा पतली है और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ी है, बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये भिंडी मसाला करी बनके तैयार हुई है। तो रेसिपी को फॉलो जरूर करें, कमेंट करके बताएं। तो फिर
मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।